देखो कल हमने पढ़ी थी धातुएं तो धातुओं में, में रिवाइज कर रहे हैं कि सीधे पढ़ाएं सीधे पढ़ाएं ठीक है कल कर देंगे रिवाइज पूरा धातुएं कितनी हैं तुमने सर्च किया था ए? कि तुमने सर्च किया था कोई कुछ कह रहा था कल हमने सर्च किया था धातुएं इतनी हैं पता नहीं यानी हम और तीसरे को कैसे पढ़ाते हैं वे तत्व देखो अधातु क्या है वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का मतलब क्या होती है जो चालन करती है किसका विद्युत और ऊष्मा का तो अधातुएं कौन होंगी जो चालन नहीं करती हैं ठीक है अधातु कहलाते अथवा अधातु वे तत्व है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातुएं क्या करती थी कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर छोड़कर धनायन बनाते थे ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और ऋणायन बनाएंगे जब माइनस खाएंगे तो माइनस हो जाएंगे ठीक है अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं और वो क्या होती हैं विद्युत धनात्मक होती है याद रखना अधातुएं आघात वर्धनीय व तन्ने नहीं होती हैं जैसे धातुएं होती हैं होती है ना तन्य भी होती हैं ठीक है परंतु भंग भंगुर होती है भंगुर का मतलब होता है अगर उनको मार दो सो सीधे चकनाचूर चूर हो जाएंगी जैसे तुम्हारी पेंसिल रख दे पेंसिल में मार देंगे चटनी बन जाएगी पेंसिल की नोक अच्छा रखो वाला वो पसरेगी नहीं नो पेंसिल की नोक सीधे चटनी बन जाएगी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी मार दो वाला धरती में पेंसिल की नोक टूट जाएगी वो पसरेगी लेकिन सोना टेढ़ा होगा पहले होगा पहले वो सीधे सीधे टूट जाता है तना में नहीं होता ना ठीक है तो कार्बन नाइट्रोजन सल्फर आदि इनके अतिरिक्त कार्बन के दो आपर, अपरूप हीरा और ग्रेफाइट भी अधातु हैं तो कार्बन क्या है अधातु नाइट्रोजन क्या है अधातु है ना नहीं है ना पढ़ाए क्या है में जो होती हैं वो विद्युत विद्युत और ऊष्मा की क्या होंगी चालक कुचालक कुचालक या चालक नहीं होती है कुचालक होती है दूसरी चीज धातुएं तने और अघातवर्धनीय नहीं होती हैं दिनय नहीं होती है तीसरी चीज है। आयन बनाते हैं बनाते हैं क्योंकि क्योंकि क्यों बनाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं ग्रहण करते हैं करते हैं ना अधातु भंगोर होती हैं मतलब जैसे सोना मारेंगे सोने को मारेंगे तो वो फैल जाएगा थोड़ी बहुत और इस ये फैलता नहीं है इतना सभी नहीं फैलती है अधातुए सीधे टुकड़े टुकड़े हो जाती है ठीक है भंगोर होती हम्म जैसे कुछ अधातुए में जैसे आ जाएगा सल्फर नाइट्रोजन आ जाएगा और कार्बन कार्बन सबसे मुख्य कार्बन जो तुम्हारा पेंसिल होती है उसमें कार्बन होता है ठीक है नाइट्रोजन होती है नाइट्रोजन हो गई कार्बन हो गया सल्फर हो गया ठीक है और इन सब के ये क्या है ये क्या है ये अपर रूप है ये क्या है हम्म तो कार्बन के दो अपर रूप होते हैं एक होता है हीरा एक होता है ग्रेफाइट जो पेंसिल होती है ना वो ग्रेफाइट है तुम्हारी है ना चलो दे दो हीरा और ग्रेफाइट ये क्या होते हैं कार्बन के अपर रूप तो ध्यान देना कार्बन के अपर रूप होता है कौन हीरा और ग्रेफाइट अधातुएं ठोस द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जा सकती हैं। लेकिन धातुएं ओनली ठोस कल पढ़ाई थी तो ये किस के कौन कौन सी अवस्था में पाई जा सकती हैं? ये ठोस द्रव और गैस तीनों में पाई जाएगी तुलना करना सीखो याद ज्यादा रहेगा अधातुएं केवल ठोस लेकिन पारा को छोड़ के, पारा द्रव में पाई जाती है जो भी एक धातु है पारा धातु है ना ठीक है केवल ब्रोमीन ही सामान्यता पर एक द्रव अधातु है तो आप समझ में आया तो क्या होता है कि ये अधातुएं क्या होती हैं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है है ना और ब्रोमीन ही एक ऐसी होती है ब्रोमीन जो सामान्य ताप पर किस में एक द्रव होती है द्रव धातु है मतलब जैसे पारा पारा था ना तो सामान्य ताप पर कैसा मिलता था द्रव, द्रव। ऐसे ये ब्रोमीन है एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर कैसी होगी द्रव ठीक है तो हर धातु का ठोस रूप द्रव के, द्रव रूप और गैस रूप होगा बस ब्रोमीन का नहीं होगा ठीक है हाँ। अब देखो अधातुओं की बहुत गुण देखे उसमें तन्यता थी धातु में तन्यता थी इसमें नहीं होगी इसमें क्या होगी अतन्यता मतलब फैलने का गुण नहीं होगा तो देखो खिंचाव का मतलब अधातुएं तन्य नहीं होती अर्थात इनके तार नहीं बनाए जा सकते उसके तार बन रहे थे ना इसके तार नहीं बनेंगे भंगुरता इसमें नई चीज क्या आ गई भंगुर वो चीज पीटने से टूटती थी क्या नहीं टूटती थी ये टूट जाएगी तो भंगुर क्या होगी अधातुओं को पीटने पर ये चद्दर में परिवर्तित नहीं होती है मतलब फैलती नहीं है और जब फैलेंगी नहीं तो क्या हो जाएंगी टूट जाएंगी अर्थात हथौड़े से टूट पीटने पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो ग्रेफाइट क्या है धातु की अधातु हाँ तो जैसे उसमें आघात वर्धनीयता था ना था ना इसमें कौन है भंगुर का मतलब क्या होता है पीटने से चद्दर बनाई जा सकती है इससे नहीं बनेगी ठीक है था अब जैसे उसमें ठोस अधिकांश ठोस धातुएं जैसे सल्फर फॉर फास्फोरस फास मृदु यानी मुलायम होती है तो मृदु का मतलब कौन होगा मुलायम मृदु का मतलब क्या होगा मुलायम और कठोर का तो कठोर होता ही है अच्छा कल हमने एक चीज बताई थी ये मृदु बताई थी ना कल बताई थी परसों परसों बताई थी क्या होता मतलब मृदु मिस कठोर हम तो यहाँ वो बता रहे हैं मुलायम खैर है? देखना क्या बताया था देखो मृदु कैसी मृदु होती है मतलब मुलायम होती है तो कौन कौन सी धातुएं सल्फर और फास्फोरस तो जो एक सल्फर होगी और फास्फोरस होगी यानी कि जो जो धातुएं आती जाए ना धातुएं अधातुएं उनके सभी के संकेत लिखते जाए ना ढूंढ़ के ठीक है सल्फर और फास्फोरस सल्फर और फास्फोरस देखो सल्फर को तो s से करते हैं फास्फोरस को एफ से करते हैं ठीक है, है? तो, तो, तो सल्फर और फास्फोरस कैसी धातुएं होती हैं जो मुलायम होती हैं तो ये कौन सी होंगी मृदु धातु अधातुएं होंगी कैसे होंगी मृदु अधातुएं होंगी ठीक है और कार्बन जो होता है ना कार्बन का एक अपरूप कौन है हीरा ग्रेफाइट जो हीरा होता है हीरा वो सबसे ज्यादा कठोर होता है तो हीरा कठोर होता है ध्यान देना हीरा कैसा होता है कठोर होता है ठीक है चमक सामान्यतः धातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है नहीं होती ना धातुएं सब चमकदार होती है इसलिए सोना चांदी वगैरह वगैरह ढिकाना जो भी हो वो सब वो सब कैसी होती हैं सब चमकदार होती हैं सामान्यतः धातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है इनकी सल्फर इनकी सतह मलिन फास्फोरस दोनों अधातुओं में कोई चमक नहीं पाई जाती है अर्थात ये मलिन होती हैं जबकि आयोडीन व ग्रोफाइड चमकीले होते हैं तो ऐसी कोई चीज़ें बताओ मतलब देखो धातुएं तो सब होती हैं अधातुओं में ऐसी कौन सी कौन सी अधातुएं हैं जो चमकदार होती हैं तो एक तो नमक हो गया और नमक में ही आयोडीन होता है तो समझ जाना कि नमक और आयोडीन कैसी होंगी चमकदार बाकी सब अधातुएं कैसी होंगी मलिन होंगी मलिन मतलब होती हैं जैसे छोगे हाथ गंदे होंगे ये इतना याद रखना है ठीक है मतलब गंदे मलिन मतलब उसको घिसेंगे तो हाथ में आ जाएगा ठीक है आगे देखो विद्युत तथा उसमें आचालकता उसमें थे क्या देखो विद्युत और उसमें क्या थी चालक थी ना इसमें आचालक मतलब आचालकता का गुण होगा कैसा कौन सा गुण होगा आचालकता का गुण मतलब अधात विद्युत तथा ऊष्मा सुचालकता प्रदर्शित नहीं करती हैं इसलिए इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते थे ना छोड़ते थे ना इसमें क्या मुक्त करेंगे उल्टा ग्रहण करते हैं तो ये लेते हैं तो ये कौन सी आयन ऋण आयन वो कौन सी धनायन ठीक है उदाहरण के लिए फास्फोरस फास होता है सल्फर होता है दोनों अधातु ठीक है, है दोनों के द्वारा ही विद्युत तथा ऊष्मीय चालन नहीं किया जाता है तो ध्यान करना फास्फोरस और सल्फर दोनों में ताप विद्युत का कोई असर नहीं पड़ता है मतलब उसको चाहे गर्म कर लो चाहे उसको करंट छुबा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है गलांग तथा और गलांगरांग में धातुओं में क्या था बताओ बुद्धि कान खुले नजर बूट से हटे तुम इसे कह रहे अदातुओं की गल्लांक व कौथनाक कम होते उसके क्या होते उच्च होते हैं हाई होते हैं ना इसके क्या होंगे निम्न निम्न होंगे ना अर्थात ये निम्न ताप पर ही वाष्पित हो जाते हैं परंतु कार्बन बोरॉन और सिलिकॉन की गल्लां कोथरांग उच्च होते हैं उसमें निम्न किसके होते थे हाँ सोडियम और पोटेशियम के निम्न होते थे। देखो सीधी बात है गलनांक और कोथनाक किसके धातुओं के उच्च होंगे लेकिन सोडियम और पोटेशियम के नहीं होंगे तो ये अपवाद होगा इसके लिए अब अधातुओं में क्या होंगे निम्न होते हैं बट किसके उच्च होंगे कार्बन बोरॉन और सिलिकॉन किसके उच्च होंगे कार्बन, कार्बन, कार्बन हिंदी लो हिंदी से लिखे दे रहे कार्बन बोरॉन और सिलिकॉन के क्या होंगे उच्च होंगे कैसे होंगे उच्च ये देखें या ना देखें सुनाई दे रहा है उच्च कार्बन को C से बोरॉन को B से और सिलिकॉन को Si से ठीक है ठीक है तो गलनांक और क्वथनांक किसकी कौन सी धातुओं के उच्च होते हैं तो कार्बन के बोरॉन के सिलिकॉन के वहां ऑप्शन आएगा निम्नलिखित में से किस अधातु का गल्लांक व कोथनांक उच्च नहीं होता है तो उच्च होता है होता है होता है और चौथा नहीं होता है क्योंकि हमें तो पता है कि अधातुओं अधातुओं के क्या होते हैं निम्न होते हैं लेकिन इनके उच्च होंगे ठीक है अधातुओं के रासायनिक गुण अधातुओं व धातुओं में अंतर वो तो अभी तक समझ में आ गए होंगे नहीं आए जैसे देखो मरकरी को छोड़ के सभी धातु क्या होती है ठोस अवस्था में और ये जो अधातु होंगी वो क्या होंगी कमरे के ताप पे कैसी होंगी नॉर्मल ताप पे नॉर्मल ताप पर क्या होंगी ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है ना जैसे तुम्हारी कार्बन हुई वो ठोस होगी ब्रोम ब्रोमीन लिखा था ना कहीं ये क्या होगी द्रव होगी और गैस अवस्था में कौन होती है ऑक्सीजन होती है क्लोरीन होती है नाइट्रोजन भी होती है सब होती है ना तो तीनों अवस्थाएं में पाई जाती है ठीक है सभी धातुएं चमकदार होती हैं, ये तो पढ़ाई ही था ये मलिन होती है ठीक है लेकिन इनका का धातुओं का आभा आभा पढ़ाया था क्या होता आभा आवा क्या होगा मतलब चमक सुंदर लगती हैं यानी चमक होती है उनमें धातुओं धातुएँ क्या होती हैं चमकदार होती हैं इसलिए इनका उपयोग ज्वेलरी में भी किया जाता है इनकी आवा मंद होती है होती है क्योंकि ये चमकदार होंगी क्या नहीं होंगी केवल किसको छोड़ के आयोडीन को देखो नमक लिख दिया तो नमक एक पदार्थ मतलब इससे बनी हुई चीज़ है किससे आयोडीन होगा उसमें तो आयोडीन बस ऐसी होगी जो अधातु है और चमकदार है बाकी साहब मलिन होंगी मलिन नहीं मलिन हाँ धातुएं अधिकांशतः अधिकांशतः ध्वनि उत्पादक होती है मतलब जितनी धातुएं होंगी वो सब से ध्वनि निकलेगी अब कैसे निकलती है? ऐसे नहीं धरे धरे निकल जाए प्राण प्राण नहीं है कि निकल गए और आघात किए जाने पर ध्वनि उत्पन्न होती है जब हम उनको पीटेंगे तो ध्वनि उत्पन्न होगी जैसे लोहे की चादर हुई उसमें डंडा मारो होती है लेकिन अगर ग्रेफाइट में करोगी तो नहीं होगी आवाज़ ठीक है अधिकांशता ये ध्वनि उत्पादक नहीं होती अथा पीटे जाने पर इनके टुकड़े हो जाते हैं ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है ठीक है तो ग्रेफाइट के तो टुकड़े हो ही जाते हैं ना हो तो पेंसिल के हो जाते हैं पेंसिल जैसे हम एक ताल ले लें लोहे का उसको मोड़ेंगे देखो उसको मोड़ेंगे तो वो तो मोड़ जाएगा एक पेंसिल की नोक लेंगे तो वो टूट जाएगी धातु विद्वत्ता था ऊषमा की सुचालक so, कहां सो रहे हाँ। हो तेज बोलो हाँ अदातु क्या होगी कुचालक किस को छोड़ के ग्रेफाइट एक ऐसी चीज है जिस पर करंट दौड़ता है हमने बहुत दिन पहले बताया था ना याद होगा बहुत दिन चार एक महीने हो गए तीन महीने ठीक है तो अधातुएं कैसी होंगी सभी विद्युत की कुचालक होंगी बट ग्रेफाइट को छोड़ के ग्रफाइट ग्रेफाइट को छोड़ के ये नोट कर लेना हमने बोल दिया नोट कर लेना ये प्राय कठोर होती है कौन सी धातुएं और ये कठोर होती है क्या ये नहीं होती है ये मृदु होती है कैसे होती है मृदु अभी लिखवाया था देखो ये होती है लेकिन किसको छोड़ गए ब्रोमीन द्रव है और हीरा क्या होता है कठोर तो ये सब क्या होंगी अधातुएँ मृदु मृदु होंगी लेकिन हीरा कठोर होगा ठीक है बस अधातुओं के उपयोग अधातुओं का उपयोग मुख्यतः मशीनों वायु ये सब तो ठीक है अधातुएं हमारे जीवन के लिए आवश्यक और सभी सजीव शोषण के समय इसका उपयोग करते हैं तो बिल्कुल ऑक्सीजन ले रहे हो ना? है ना? ठीक है पौधे की वृद्धि के लिए देखो जब हम सांस लेते हैं तो पूरी वायु लेते हैं लेकिन अंदर जाके वायु के अलावा बाकी सब बाहर आ जाता है ऐसा होता है पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त तो उर्वरकों में अधातु का उपयोग किया जाता है उर्वरक होते हैं कीटनाशक उनमें पता क्या होता है नाइट्रोजन कौन सी अधातु होती है उर्वरकों में नाइट्रोजन याद रखने ला इसमें नहीं है ठीक है लिख लेना अधातु का उपयोग जल शुद्धिकरण पिक्रम में किया जाता है तो जल को जो शुद्धिकरण मतलब किया जाता ना, है ना आर ओ प्लस एच वी यू वी प्रोटेक्टेड ऐसा कुछ वो रहता है तो अधातु का उपयोग शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है ठीक है एंटीबायोटिक के रूप में घा। घावों को भरने के लिए भी किया जाता है ठीक है अधातु में निर्मित बैगनी रंग के विलयन जो होते हैं अधातु में कैसा कौन सा विलयन होता है बैगनी रंग का विलयन ये फैक्ट भी लिख लेना अधातुओं में एक बैगनी रंग का विलयन होता है जिसका उपयोग घाव भरने के लिए किया जाता है ठीक है ठीक है अब संचारण कल बताएंगे और कल रिवाइज भी करेंगे ठीक है सो कल ये चैप्टर स्वाहा ठीक है